आपको काइन मास्टर अप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, मीडिया पे आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दे रखे हैं, वीडियो को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, मीडिया पे आना है और आपने जो वीडियो शूट कर रखे है उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। तो सबसे पहले मैं पार्ट वन वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने 3 से 4 वीडियो शूट किया हूँ अलग अलग पार्ट में। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने वीडियो को सेलेक्ट कर लिया हूँ। सेलेक्ट करने के बाद वीडियो के लेयर पे क्लिक करेंगे और ओरिजिनल साउंड को आपको म्यूट कर देना है। वीडियो को आपको 1 से 2 बार प्ले कर देख लेना है। वीडियो में जो भी आपका एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को आपको रिमूव कर देना है। तो आप देख सकते हैं वीडियो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वीडियो के लेयर पे क्लिक करेंगे, कैची के निशान पे क्लिक करेंगे और ट्रिम टूल लेफ्ट कर देंगे। लेफ्ट साइड का पार्ट जो भी एक्स्ट्रा था आपका रिमूव हो चुका है। और यहाँ पे आपको वीडियो के लेयर पे क्लिक करना है और वीडियो को आपको स्लो मोशन करना है। स्पीड कंट्रोल पे आएंगे और यहाँ पे आपको 0.5 के आसपास कर देना है। तो मैं यहाँ पे 0.5 तक रहने देता हूँ। तो वीडियो हमारा स्लो मोशन हो चुका है। तो मैं आपको एक बार वीडियो को प्ले कर दिखा देता हूँ। जैसा कि आप वीडियो देख सकते हैं, हमारा वीडियो यहाँ पे स्लो मो में हो चुका है। वीडियो देखने में भी काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। यहाँ पे हमें करना क्या है, 4 से 5 सेकेंड तक का हमें वीडियो लेना है। तो मैं 5.0 तक का रहने देता हूँ। वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है, कैंची के निशान पर क्लिक करना है और स्पीड टू प्ले हिट कर देना है और इस वीडियो को आपको लास्ट तक लेकर आ जाना है। इसके बाद सेकेंड वाले वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है। ओरिजिनल साउंड को आपको सबसे पहले म्यूट कर देना है। म्यूट करने के बाद यहाँ पे आपको 4 से 5 सेकेंड तक आसपास का सीन चाहिए। तो सिंपल मैं यहाँ पे 5 सेकेंड तक रहने देता हूँ। तो मैं यहाँ पे 11.4 तक रहने देता हूँ। कैंची के निशान पर क्लिक करना है और स्पीड टू प्ले हिट कर देना है। तो वीडियो आप देख सकते हैं, फर्स्ट वाला वीडियो कुछ इस तरह से आ जाएगा, सेकेंड वाले वीडियो आपका कुछ इस तरह से आएगा। इसके बाद इस लेयर के सामने यहाँ पे आना है, मीडिया पे आना है और आपने जो सेकेंड वीडियो शूट कर रखे है उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे सेकेंड वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद वीडियो में जो भी आपका एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को आपको रिमूव कर देना है। तो देख सकते हैं वीडियो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको ट्रिम टू लेफ्ट कर देना है। यदि राइट साइड का पार्ट एक्स्ट्रा है तो वीडियो का आगे तरफ लेकर आएंगे, कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे और ट्रिम टू राइट आपको कर देना है। इस तरह से आपको एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव कर देना है। ये वाली वीडियो जो है आपको यहाँ पे भी 4 से 5 सेकेंड का वीडियो, 4 से 5 सेकेंड तक का वीडियो आपको लेकर आना है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है, स्पीड कंट्रोल पे आएंगे और यहाँ पे आपको स्लो मोशन कर देना है। तो 0.5 तक आपको कर देना है। तो ये वीडियो मेरा ऑलरेडी स्लो मोशन में है, तो इसलिए मैं नॉर्मल ही रहने देता हूँ। इसके बाद डन करना है। इसके बाद देख सकते हैं फर्स्ट वाली वीडियो आपका कुछ इस तरह से आ जाएगा, सेकेंड वाला कुछ इस तरह से, थर्ड कुछ इस तरह से, फोर्थ नंबर में कुछ इस तरह से आपका वीडियो आ जाएगा। लास्ट का वीडियो कुछ एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा पार्ट को हम डिलीट कर देते हैं। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक दे रखा हूँ, वीडियो को क्लिक करना है, कैची के निशान पर क्लिक करना है, स्ट्रैक्ट आइडियो कर देना है और वीडियो पर क्लिक करेंगे इसे आपको डिलीट कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इस बीच पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन इफेक्ट देना है। सिंपल यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है एक्सीलेशन का, एक्सीलेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको स्पीड इन या फिर स्पीड आउट दे देना है। तो मैं यहाँ पे स्पीड इन दे देता हूँ। इसके बाद सेकेंड वाले पे आएंगे, फिर से हमें ट्रांजेक्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे हमें स्पीड आउट दे देंगे। एक्सीलेशन पे आना है और यहाँ पर हमें स्पीड डाउन या फिर स्पीड अप भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर स्पीड अप सेलेक्ट कर दिया हूँ। हमारा वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर देख रहे वीडियो में काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा लग रहा है। तो आपको वीडियो यहाँ पे 13 सेकेंड तक का ही बनाना है। तो जो एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को आपको कुछ इस तरह से कट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे साउंड भी मैच हो चुका है, वीडियो हमारा 13 सेकेंड के आसपास बन चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन साउंड ऐड करना है। तो सिंपल वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, लास्ट पॉइंट पर आएंगे, लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है। इसके बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन है मैंने एक वीडियो का भी लिंक दे रखे हैं, वीडियो को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद कैंची के निशान पर क्लिक करना है, स्ट्रैक्ट आइडियो कर देना है और वीडियो पे क्लिक करेंगे और वीडियो को आपको डिलीट कर देना है। इसके बाद ओरिजिनल साउंड को मैं सबसे पहले वॉल्यूम को म्यूट कर देता हूँ। साउंड ट्रांजेक्शन इफेक्ट साउंड है, उसको आपको 1 से 2 बार प्ले कर देख लेना है। तो मैं सबसे पहले प्ले कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं ट्रांजेक्शन साउंड हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे और ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे और इस पर आपको क्लिक करना है और कुछ इस तरह से यहाँ तक आपको लेकर आ जाना है। इसके बाद कुछ आगे की तरफ लेकर आना है और एक्स्ट्रा साउंड को आपको ट्रिम टू राइट कर देना है और इस साउंड पे क्लिक करेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और डुप्लीकेट ले लेंगे। इस साउंड पे प्रेस करके रखेंगे और कुछ इस तरह से यहाँ तक लेकर आ जाना है। फिर से हमें इस पे क्लिक करेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट पर क्लिक करेंगे और इसे आपको कुछ इस तरह से यहाँ तक लेकर आ जाना है।
तो आप यहाँ आपका यहाँ पे ट्रांजेक्शन साउंड भी ऐड हो चुका है, और जो भी एक्स्ट्रा साउंड है एक्स्ट्रा साउंड को आपको ट्रिम टू राइट या राइट आपको कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा वीडियो पूरी तरह से तैयार हो चुका है, लेकिन आपके कान मास्टर एप्लीकेशन में एक्सीलेशन का ऑप्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि नहीं आता है तो गेट मोड पे क्लिक करना है और आपको काइन मास्टर स्टोर से एक्सीलेशन आपको डाउनलोड कर लेना है। यदि आपके काइन मास्टर स्टोर में भी एक्सीलेशन का ऑप्शन नहीं आता है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, मैं जो यूज करता हूँ काइन मास्टर एप्लीकेशन इस एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा। इसके बाद डन करते हैं। डन करने के बाद आपको क्या करना है, सेटिंग पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपको साउंड को म्यूट किए थे उस साउंड को फिर से हमें 100% या 200 कर देना है। इसके बाद सेटिंग पे क्लिक करना है, ऑडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है, शेयर पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। और आपका वीडियो यहाँ पे पूरी तरह से तैयार हो चुका है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दे रखा हूँ, उसी वीडियो के साउंड पे आपको इस वीडियो को अपलोड कर देना है।